यूपी के लिए आरएसएस का बड़ा प्लान, लव जिहाद के खिलाफ आरएसएस, मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, धर्म को बचाने में जुटा संघ, धर्म परिवर्तन पर लगेगा लगाम। नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरएसएस अपनी शाखाओं के जरिए समाज को लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर जागरूक करेगा। धर्म परिवर्तन सिर्फ हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह कह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। 24 सितंबर को लखनऊ में सरस्वती शिशु में चल रही बैठक में रविवार को धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने पर मंथन हुआ। संघ प्रमुख को बताया गया कि यूपी में नेपाल के सीमावर्ती जिलों के गांव में धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में धर्मांतरण को रोकने के लिए शहरों के साथ गाँव में भी फोकस करना चाहिए। इसके लिए हिंदू समाज को जागरूक करने की खास तौर पर जरूरत है। आपको इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि 19 सितंबर को हुई संघ और सहयोगी संगठन की बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था। इसकी रिपोर्ट भी संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेजी गई थी। विहिप और बजरंग दल स्कूलों और कॉलेजों में धर्मांतरण और लव जिहाद के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूथों के बीच में जाकर के अभियान चला रहा है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऐलान कर दिया है कि शाखाओं के माध्यम से समाज को धर्म परिवर्तन को लेकर के जागरूक किया जाएगा। लव जिहाद किस तरह हमारी हिंदू बेटियों की जिंदगी खराब कर रहा है, लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त दिखाई देते हैं। यूपी में 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण कानून लागू किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद से ही इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू की गई। जो भी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश लागू होने के बाद से 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद से जुड़े 427 मामले दर्ज हुए। इसी तरह धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। वहीं 185 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट में सामने से जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात भी कबूल की है। मतलब अध्यादेश लागू होने के बाद भी लव जिहाद जैसे गैर कानूनी साजिश कम नहीं हुई है। अक्सर कुछ लोग तर्क देते दिखाई देते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई भी चीज हमारे समाज में नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि ये सब मामले कैसे दर्ज हुए, और अगर झूठे दर्ज हुए हैं तो फिर 185 मामलों को पीड़ितों ने कोर्ट में क्यों कबूल किया कि उनका जबरन धर्म बदलवाया गया है। भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत अपना धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। ऐसे में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन समाज ही नहीं देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है, जिसे रोकने के लिए संघ हर संभव कोशिश कर रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।